अरे ये क्या पांडा, मेरे घर में मेरे सोफे पे? क्या आप भी चाहते हैं पांडा को अपने घर बुलाना? तो आइए जानते हैं कि मैंने कैसे पांडा को अपने घर बुलाया है और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये जानने के लिए कि आप कौन कौन से एनिमल्स को अपने घर बुला सकते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए हम गूगल में चलते हैं और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं पांडा। यहाँ पर हमने पांडा टाइप किया है और यहाँ पे देखिए पांडा के से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। अब हमें करना क्या है, हमें जाना है यहाँ व्यू इन 3D पर। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं व्यू इन 3D और ये देखिए ये हमारा पांडा आ गया है। और इसके बाद हम करते हैं व्यू इन योर स्पेस। तो ये देखिए मेरे घर का सोफ़ा आ चुका है और अब हम पांडा को अपने सोफ़ा पे एडजस्ट कर देते हैं। यस, एंड नाउ हम करते हैं रिकॉर्ड अ वीडियो। हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को। ओपन विद हम करते हैं फोटोज़। तो ऐसे ही जैसे कि हमने पांडा को अपने घर में बुलाया था, हम और भी एनिमल्स को अपने घर में बुला सकते हैं। देखिए जैसे रक्कून, और अब हम इसको भी अपने सोफा पे, ये देखिए, या फिर हम इसको अपने फ्लोर पर इसको प्लेस कर देते हैं। ये देखिए अब हम करेंगे इसको रिकॉर्ड। हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, देख लेते हैं कि हमारी वीडियो कैसी बनी है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, है ना ये ट्रिक मज़ेदार। इस ट्रिक का यूज़ करके हम छोटे बच्चों को एनिमल्स और उनकी साउंड्स के बारे में भी पढ़ा सकते हैं और इसी तरह से वीडियो बनाकर हम अपने फ्रेंड्स को उल्लू भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सारे एनिमल्स 3D में गूगल पर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ मैंने लिस्ट दी है जहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल 3D में अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए और इस तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।